हेलो एंड वेलकम बैक टू एंजल्स इंग्लिश लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास टेंथ की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। आप सभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानते हैं कि एक रियलिस्टिक पोएट थे। ये रियलिटी ऑफ लाइफ के बारे में लिखना पसंद करते थे, फिर चाहे वो लाइफ की सफरिंग्स हों, सोरोज हों, हैप्पीनेस हों या जॉयस हों। पोएम स्टार्ट करने से पहले आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने भी गुड ओमेंस और बैड ओमेंस के बारे में सुना है? जी हाँ, वही जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, शगुन अपशगुन। अगर आपके रास्ते से कोई बिल्ली गुजर जाती है तो आपसे कहा जाता है, ओफ आज तो हमारे सारे काम खराब होंगे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आज का तो पूरा दिन ही खराब होगा। हमारा माइंडसेट होता है कि अब ये जो बिल्ली है वो अपशगुन का नाम उसको दे दिया जाता है, और उसके बारे में सोच सोच के हम पूरे दिन परेशान रहते हैं कि हे भगवान अब कुछ बुरा ना हो जाए, मेरे साथ आज कुछ बुरा ना हो जाए, ऐसी मेंटेलिटी हमें सेट कर दी जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ। वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस पोएम की हेल्प से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये जो गुड ओमेंस और बैड ओमेंस जैसी बातें हैं, जो मेंटेलिटी हमें सेट कर दी जाती है हमारी सोसाइटी में, उसको इन इल्यूजन्स को, इन भ्रम को हमारे दिमाग से निकालने की कोशिश की है, हमें बताने की कोशिश की है कि ये सब कुछ नहीं होता है, ये हमारा माइंडसेट होता है और हमें ये सब नहीं मानना चाहिए, इस सबको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी पोएम का एक्सप्लेनेशन। मगर उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, एंड मेक श्योर आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। पोएम स्टार्ट करने से पहले हम इसका टाइटल देख लेते हैं। इसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पर डस्ट का मतलब जो है वो मिट्टी से या रेत से नहीं है, यहाँ पर डस्ट का मतलब है छोटे छोटे पार्टिकल्स से, मतलब स्नो के, बर्फ के कुछ पार्टिकल्स। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। तो चलिए देख लेते हैं हम हमारे फर्स्ट स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं, द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी The dust of snow from a hemlock tree. जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर shook down on me, मुझ पर गिरा दिया, the dust of snow from a hemlock tree, मतलब स्नो के, बर्फ के कुछ पार्टिकल्स गिरा दिए मेरे ऊपर hemlock tree पर से, मतलब कोई कौवा होगा वो hemlock tree के ऊपर बैठा होगा और उसके पंखों के motion से maybe वो उड़ा होगा, तो जो उसकी उड़ने की जो एक्टिविटी की होगी उसने, उसकी वजह से हेमलॉक ट्री, ये एक पॉइजनस ट्री होता है जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था, उस पर से कुछ बर्फ के पार्टिकल्स, कुछ बर्फ के टुकड़े जो हैं वो मेरे ऊपर गिर जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री का यूज किया है। क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही बैड ओमेंस माने जाते हैं, ये अपशगुन के लिए जाने जाते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि हेमलॉक ट्री को अपशगुन के लिए क्यों जाना जाता है, क्योंकि एक बहुत ही पॉइजनस ट्री होता है और कोई भी पॉइजनस चीज़ जो है वो गुड ओमेन के लिए नहीं जानी जा सकती है, और क्रो जो है वो भी डेथ का सिंबल माना जाता है। इसीलिए इस फर्स्ट स्टैंजा में उनका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा डिजेक्शन से, सोरो से भरा हुआ है, और वो कुछ परेशान से होकर के जा रहे हैं। इतने में वो जब यहाँ से गुजरते हैं तो एक कौवा जो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा होता है वो कुछ पार्टिकल्स जो हैं बर्फ के उनके ऊपर गिरा देता है, और अभी तक उनका जो मूड था वो डिजेक्शन, सोरो, इस सब से भरा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। पोएट आगे कहते हैं, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड का मीन्स यहाँ पर होता है रिग्रेट। वो आगे कह रहे हैं कि जैसे ही वो बर्फ मेरे ऊपर गिरी, मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो हार्ट है, मेरा जो मन है वो एकदम से बदल गया। अब ये आप कैसे कह सकते हैं कि इनका मन बदल गया, क्यों? क्योंकि इससे पहले जो स्टैंजा इन्होंने लिखा है उसमें इन्होंने क्रो और हेमलॉक ट्री जैसे वर्ड्स को यूज किया है, ये सोरो को, सैडनेस को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स हैं। तो इससे हमें पता चल गया है कि इससे पहले जो पोएट हैं वो
दुखी थे, सैड थे और उनको लग रहा था कि उनका दिन जो है वो बिल्कुल बेकार चला गया है, वो किसी दुख में थे। और जैसे ही उनके ऊपर वो बर्फ गिरती है, एकदम से उनका मूड चेंज हो जाता है। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हैं या फिर नेगेटिवली लेते हैं। मतलब खुश रहने के लिए, खुश होने के लिए हमें सिर्फ एक पल की ज़रूरत होती है, यहाँ पर कुछ भी गुड और बैड नहीं होता है। तो वही ये भी यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही उस कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ गिराई, मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो दिन अभी तक मुझे एकदम बेकार लग रहा था कि मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया है, वेस्ट हो गया है, मुझे लगा कि अब मेरा जो बचा हुआ दिन है वो अच्छा जाएगा और मेरा मूड एकदम से चेंज हो जाता है, एकदम से अच्छा हो जाता है। वो आगे कहते हैं, ये जो हमारी सोसाइटी है इसमें जो इल ओमेंस, बैड ओमेंस, ये जो बुरी बातें हैं, शगुन अपशगुन जैसी बातें हैं, इन सबको हमें नहीं मानना चाहिए। अपनी इस पोएम के थ्रू वो इन सिंबल्स को, इन बातों को, इन चीज़ों को बंद करने की, शैटर करने की, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यही रीज़न है उन्होंने इन चीज़ों को अपनी इस पोएम में यूज़ किया है। अपनी इस पोएम के थ्रू वो हमें बताना चाहते हैं कि हमें हमारी लाइफ के हर मोमेंट को पॉजिटिवली लेना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। और अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हमें उस पर रिग्रेट नहीं करते रहना चाहिए या उसके लिए हमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि शगुन अपशगुन ये हमारी माइंडसेट है, ये हमारी सोसाइटी की बनाई हुई बातें हैं। ऐसा कुछ कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ये गुड है या फिर ये बैड है। अगर कुछ होना होता है तो वो अपने आप हो सकता है, उसके लिए कोई रीज़न नहीं होता है या उसके लिए कोई जानवर, इंसान या कोई पेड़ पौधे जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये पोएम लिखी है और हमें समझाने की कोशिश की है कि हमें ये सब जो नैरो माइंडेड मेंटेलिटीज़ हैं, ये इल ओमेंस, गुड ओमेंस हैं, इसके लिए हम किसी चीज़ को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, उस सबको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइसेस इन्होंने यूज़ किए हैं वो कौन कौन से हैं। हमारी इस पोएम में दो पोएटिक डिवाइसेस हैं। पहला है इंजैबमेंट। मैं आपको बता देती हूँ कि इंजैबमेंट क्या होता है। इंजैबमेंट वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें कोई भी फुल स्टॉप, कॉमा, पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होते हैं। तो आप अपनी इस पोएम को देख सकते हैं, इस पूरी पोएम में कहीं पर भी कोई कॉमा नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क यहाँ पर नहीं यूज़ हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो पहला पोएटिक डिवाइस है दैट इज़ इंजैबमेंट, और दूसरा पोएटिक डिवाइस जो है दैट इज़ एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? ये वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें सेम लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो हैं वो सेम लाइन में होते हैं। जैसे आपका है यहाँ पर हैज, हार्ट, सेव्ड, सम, ये एलिटरेशन है इस पोएम में जो कि यूज़ किए गए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सेम लाइन में है और इनका जो अल्फाबेट है वो भी सेम है, दैट्स व्हाई इट इज़ एलिटरेशन। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हुई है, अगर ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ मैं आपको किसी न्यू लेसन के साथ, किसी न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।